Hello friends, today I'm telling you about learning for CPU. यानी मैं आज आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपना कंप्यूटर का जो रैम है वो इंक्रीज़ कर पाएंगे. यानी आपका अगर कंप्यूटर में 2 GB का रैम है, आप उसको 4 GB में कैसे कन्वर्टेड करें, तो उसी के बारे में मैं आज आपको डिटेल्स लाइव करके दिखाने वाला हूँ. सो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे हैं मेरे पास एक कंप्यूटर्स है, कंप्यूटर के सीपीयू मशीन है, इसमें मेरा 2 GB का रैम सभी लगा हुआ है. इसमें हम 4 GB इंक्रीज़ करना चाहते हैं, तो कैसे हम इसको इंक्रीज़ करें और किस तरह से करें, ठीक है. मैं आपको एक स्क्रीन शॉट दिखा रहा हूँ कि इसका मेरा जो रैम है 2 GB का रैम है, तो मैं अभी उसको खोल कर आपको लाइव दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में 2 GB है इसमें या 4 GB है. सो फ्रेंड्स, मेरे छोटा सा वीडियो होगा लाइक, और आप देख रहे हैं मेरे चैनल टेक्नोलॉजी ज्ञान. यानी आप सभी को मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है. तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं. और शुरू करने से पहले आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बगल में जो आपका बेल आइकन है उसे भी अलाउ कर दीजिएगा, क्योंकि मैं रोजाना आप सभी के लिए इस तरह का लाइक टेक्नोलॉजी एंड हार्ड वर्किंग, शायद ऑनलाइन कुछ जो प्रॉब्लम है इसी के बारे में मैं वीडियो अपलोडिंग करता रहता हूँ रेगुलरली. सो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ अगर वीडियो को अच्छा लगता है लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना. तो चलिए मैं आपको लाइव करके दिखाने वाला हूँ. अपना जो कंप्यूटर से यानी CPUs है उसका मैसेज में जब का पीछे जो है इसमें आपको खोल लेना है, ठीक है. इसे पीछे आपको खोल लेना है, तो किस तरह से आप खोलेंगे और कैसे आप खोल पाएंगे मैं आपको A to Z डिटेल्स में आपको मैं बताने वाला हूँ. सो फ्रेंड्स, और मैं भी आपसे और एक रिक्वेस्ट करूँगी कि जो आपको मैं A to Z बेसिक नॉलेज में उसी के बारे में फिर मैं आपको बताने वाला हूँ. जो कंप्यूटर का बेसिक कोर्स है, यानी कैसे आप बेसिक कंप्यूटर सेटअप करें और कैसे किस तरह से करें उसी के बारे में. तो फ्रेंड, चलिए मैं आपको कुछ बेसिक नॉलेज को खोलने का सिस्टम बता रहा हूँ. तो देखिए, आपको क्या करना है, आपको जब कंप्यूटर से इसमें पीछे जो बॉक्स है इसमें पीछे में आ जाना है. आने के बाद आपको देखिए इसमें जो 2 स्क्रू लगा हुआ है, स्क्रू मैं इसको पहले खोल चुका हूँ. तो आपको क्या करना है, इसको आपके जो आपको इसमें आपको इस तरह से आपको फोल्ड करके रखना है. तो इस तरह से आप खोल के रखेंगे. रखने के बाद आप इसका जो ढक्कन है इसको आप हटाएंगे. तो मैं इसको हटा रहा हूँ, देखिए मैं इसको अभी देखिए इसको जो ढक्कन है आप इस तरह से आप हटा देंगे. हटाने के बाद आप इसमें देख पाएंगे जो आपका जो डिटेल्स जो आपका CPU का जो मशीन्स वगैरह है, तो आपको इसमें क्या क्या होता है, ठीक है. तो देखिए इसमें आपको क्या क्या मिलने वाला है. तो देखिए इसमें आपको जो बेसिक नॉलेज रैम क्या है, ठीक है. देखिए आपका जो कंप्यूटर इसी तरह से एक मदरबोर्ड होगा, यानी आपका मदरबोर्ड होगा. इस मदरबोर्ड में आप देख पाएंगे कि इस तरह जो आपका रैम इस साइड में लगा होता है और आपका ये रैम स्लॉट है, आपको 2 ROM इसमें आपको 2 RAM स्लॉट मिल जाएगा. तो एक्चुअल में इसमें रैम क्या है, देखिए मेरे पास एक ही रैम लगा हुआ है, वो भी 2 GB का रैम है. मैं आपको इसको खोल कर दिखा रहा हूँ. तो इसके खोलने के लिए आपको इसमें क्या करना होगा, ठीक है. आपको देखिए खोलने के लिए आपका जो इसमें साइड का जो आपका स्लॉट है इसमें आपको उसमें प्रेस करना है. देखिए मैं प्रेस कर रहा हूँ, देखिए प्रेस करना है और उसी सिस्टम है जो अपोजिट साइड में है उसमें है, उसमें आपको इसमें प्रेस करना है. देखिए प्रेस करने के बाद आपको आप इसको इजीली इसमें आप उठा लेंगे. उठाने के बाद देखिए आप इसमें आप देख पाएंगे, मैं आपको दिखाने की पूरा कोशिश कर रहा हूँ. देखिए इसमें आपका जो रैम है मेरा, एक्चुअल में मेरा जो रैम है वो 2 GB का रैम है, ठीक है. एक्चुअल में 2 GB का रैम है. तो आपको इंक्रीज़ करने के लिए आपको करना क्या होगा, आपको इंक्रीज़ करने के लिए आपको सेम आपको इसी तरह से और एक रैम आपको जो दूसरा स्लॉट है उसमें आपको लगाना है. तो मैं वो भी आपको लगा के दिखाता हूँ. तो देखिए मैं दूसरा एक रैम जो है मैं ला चुका हूँ, आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. जो रैम्स है मेरा वो अभी कितना GB का रैम है मेरे पास, तो मैं आपको थोड़ा जूम करके दिखाने वाला हूँ कि क्या है. देखिए 2 GB का DDR2 PC2 का मेरे पास रैम है, और मेरे पास पहले कंप्यूटर में लगा हुआ था और एक रैम, तो टोटल हो गया मेरा 4 GB रैम. तो इसको अभी टोटल हम करेंगे इंस्टॉल, यानी आपको इंस्टॉल. तो इंस्टॉल करने के लिए आपको करना क्या होगा, इसलिए आपको सबसे फास्ट आपको जो इस रैम है इसको आपको इजीली आपको इंस्टॉल करना है. तो करना है कैसे इंस्टॉल फिर भी आप इसमें देख लीजिएगा. तो आपको इसमें जो DDR जो आपका रैम है, इसमें DDR रैम को आपको जो 2 स्लॉट है, देखिए एक स्लॉट ए और एक स्लॉट 2 स्लॉट है आपके पास. इस 2 स्लॉट में आपको इंस्टॉल करना है आपका जो देखिए आपको 2 स्लॉट है, आपको उसी 2 स्लॉट में चले जाना है. देखिए आपको जो 2 स्लॉट है उस 2 स्लॉट में. तो इसलिए आपको सबसे पहले आपको जो इंस्टॉल स्लॉट है आपको देख लेना है, जो आपका जो इसमें ट्रैकिंग है, यानी आपको देखिए इसमें आपको 2 स्लॉट ट्रैकिंग मिल जाएगा. जो आपका बताया गया है कि इसमें 2 टाइप है, यानी छोटा बड़ा मिला के, ठीक है. तो उसको आपको ठीक से ध्यान रखना है.
चलिए मैं आपको ध्यान में रखते हुए आपको इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। तो इसलिए आपको करना क्या है, आपको फास्ट जो आपका रैम है इसके आपको इसमें आपको इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। तो देखिए इसमें मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो इसलिए आपको थोड़ा जो क्लिप है इसको खोल लेना है। खोलने के बाद आपको सीधे इस तरह से आपको रैम जो है आपको सीधे आपको बैठा लेना है। आप देख पाएंगे कि आपका जो रैम है ठीक से बैठे, आपका जो रैम है वो सही से बैठना चाहिए, ठीक है। तो देखिए बैठाने के बाद आपको जो नेक्स्ट रैम है उसी को भी आप सेम उसी तरह से आप बैठा देंगे। देखिए आई होप आप देख पा रहे हैं, तो आपको सेम उसी तरह से आपको प्रेस इस तरह से प्रेस करना है और आपको दूसरे साइड में भी आपको सेम प्रेस कर लेना है। देखिए मैं प्रेस फिर भी मैं और एक बार आपको खोल के ठीक से दिखा रहा हूँ। आपको सीधे पहले इस तरह से बैठना है, बैठने के बाद नेक्स्ट ऑपोजिट साइड में भी बैठना है, दोनों एक साथ आपको प्रेस करना है। प्रेस करने से क्या होगा, आपको जो क्लिप है वो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। तो इस तरह से आप अगर इंस्टॉल कर लेंगे तो आपको जो रैम है वो 2GB से 4GB इंस्टॉल होगा, आपको जो कंप्यूटर है वो ऑन में थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है, और आपको बहुत काम फास्ट हो जाएगा।